हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो कलेक्शन जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही शॉपिंग करके लाई हूँ। मैंने खुद भी ठीक से नहीं देखा है क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, ना मैं उसे पहन पा रही हूँ, ना मैं दिखा पा रही हूँ, ना मैं देख पा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ, फिर मैं अच्छे से पहन के इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है प्लीज़ कर लो, दीक्षु 1916 या फिर 1619 जाके फॉलो कर लेना। देखो पहले तो मैं ये अपना कार्गो दिखाती हूँ। मेरे पास इस कलर का कार्गो एक भी नहीं है, शायद एक है, इसे थोड़ा डार्क है तो इसलिए मैंने ये लिया। आजकल कार्गो कितना ट्रेंड में चल रहा है आप लोग जानते ही हैं। ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आपका रिव्यू मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा। ये तो मैं पहन चुकी हूँ लेकिन मैंने इसमें ही रख दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। हाँ, मैंने ये न्यूमी और वेबसाइट से किया है, ये प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे वेबसाइट के कपड़े बहुत पहले से पसंद है इसलिए मैं अभी भी खरीदती हूँ। और न्यूमी के आप लोग जान ही रहे हैं कितना तगड़ा प्रमोशन चल रहा है, तो ना चाह कर भी मैं वहाँ गई और मैंने ना चाह कर भी मैंने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए। तो ये तो न्यूमी का है, जो लड़कियाँ लेती हैं वो समझ गई होंगी भाई। और ये है वेबसाइट का, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। लिटरली आप लोग अभी समझ जाओगे मुझे क्यों पसंद आ रहा था, मतलब मुझे पसंद है या नहीं वो अच्छे से समझ जाओगे। और ये स्कर्ट है विद पैंट, क्या दिखा रही हूँ मैं ये स्कर्ट विद पैंट है, मुझे बहुत पसंद है ऐसे शॉर्ट्स, तो इसलिए मैंने लिया। और ये है प्यारा सा टी शर्ट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार। इस पर कुछ लिखा विखा नहीं है क्या? सिंपल है एकदम, कुछ लिखा रहता तो अच्छा लगता। हाँ देखा, सी सेम ना, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आ गया था तो मैंने ऐसा तीन लिया, दो वाइट, एक थोड़ा अलग डिज़ाइन है बट सेम ही है, और एक ये ग्रीन, इसलिए मैंने बोला था ना। और इसका तो मैं आपको सबसे बड़ा राज बताती हूँ अभी, ये आप लोग को देख के क्या लग रहा है क्या लग रहा है, ये मेरे को स्कर्ट लगा था, ये मैंने इसे स्कर्ट समझ के लाया घर पे। मैं जब लाई तो मुझे पता चला, मेरे को सिमरन ने बताया जो मेरी देवरानी बनती है, उसने बताया कि दीदी ये आप वन पीस जैसा पहनोगे, ये वन पीस है, ये स्कर्ट नहीं है। मैंने बोला बाप रे, इसको मैंने, क्योंकि क्या हुआ था ना उधर, वो जो दुकान वाले भैया थे उन्होंने बोला कि आपको एक कुछ भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तभी आपको ऑफर मिलेगा कुछ, तो 1000 रुपए का ऐसा, तो उन्होंने मुझे चूना लगा के, ये कितने का है एक मिनट 1200 का, 1000 रुपया ऑफर देने के चक्कर में मुझे एक्स्ट्रा ये 1200 का लिवा दिया। मैंने लगा ठीक है, मुझे पसंद भी आया था ये थोड़ा, पर ये मेरी लिस्ट में नहीं था, ये तो मेरा पुराना कपड़ा है बट अभी तक इसका टैग नहीं हटा है क्योंकि मैंने पहना ही नहीं, तो इसलिए मैंने इसमें ही रख दिया क्योंकि मैं इंदौर से आई थी तो खाली करा था, उतरी पड़ा था। इसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती, ये वही कपड़ा है जो मैंने इंस्टाग्राम से फेक पेज से मंगवाया था, इसका मैंने 2000 रुपये पे किया है और इसको मैं 200 रुपये में भी ना खरीदूँ, इसको तो मुझे चाहिए ही नहीं। और ये इतना प्यारा सा टॉप जो देख रहे हैं वो कहाँ से पहनना है मैं खुद नहीं समझ पा रही, ऐसे ही पहनना है, बहुत ही प्रिटी है। इसके लिए मेरे पास एक ब्लैक कलर का लेदर का पैंट है, उसके लिए लाया है मैंने। और ये भी मैंने ले लिया था कि पार्टी वार्टी में जाएंगे ऊपर से पहनेंगे, लेकिन मैंने एक बार पहना था, बहुत ही बुरी लग रही थी मैं, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। ये तो इसके साथ है तो मैंने बस ले लिया, पर मुझे ये भी खास पसंद नहीं आया। ये शर्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि रेड कलर का मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा क्या कुछ है ही नहीं, लेकिन ये क्रॉप शर्ट है तो मुझे अच्छा लगेगा जब मैं पहनूंगी तो। और ये रहा स्कर्ट, मुझे ऐसे स्कर्ट बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद है, बचपन में मुझे पहनने नहीं मिला वो अलग बात है लेकिन मुझे पसंद है। ये तो मैंने पहन भी लिया, ये रेड कलर का कार्गो पैंट है। एंड ये है जैकेट जैसा कॉर्सेट है, और दिखाती हूँ आपको, मैं देख रहे हो थैली भी फट गई है इसकी रख रख के, सोफे पे रख रख के क्योंकि सामान इधर उधर। ये मुझे बहुत पसंद आया,
ये तो मेरे को चाहिए ही था, लाइक ये मेरा पहला प्यार वाला जैसा है, इसमें मैं बहुत ब्यूटीफुल लगूंगी, ये पहनूंगी। तो आप लोग प्लीज इंस्टाग्राम पे जरूर देखना, मैं जल्दी ही पहन के फोटो डालूंगी, कहीं जाऊं या ना जाऊं मैं पहन के फोटो तो डाल दूंगी। एंड ये भी मुझे बहुत पसंद आया, मेरे पास फॉर्मल पैंट एक भी नहीं था। हाँ नहीं है मेरे पास फॉर्मल पैंट, मैं पहनती भी नहीं हूँ, बट न्यूमी के भाई मानना पड़ेगा, उनके पास और भी बहुत सारे कलेक्शन थे, मैंने लिया भी था लेकिन पेमेंट ज़्यादा हो रहा था इसलिए मैंने वापस रख दिया थोड़ा ही लेकर आ गई। और ये तो मैंने पहन के पोस्ट भी कर दिया है, बट जो मैंने पहन के पोस्ट किया था वो थोड़ा बड़ा था, तो उसका मैंने छोटा साइज लाया एक्सचेंज करके। अब ये पता नहीं कब पहनूंगी, क्योंकि एक बार पहन के फ़ोटो तो निकाल ही लिया है और कहीं ऐसे तो जाते नहीं। हाँ, और ये टॉप, ये ऐसा टॉप सिमरन को चाहिए था, सिमरन को बहुत पसंद है ऐसे टॉप, तो मैंने उसके लिए लाया है, लाइक उसकी वजह से लाया है। मैं भी पहनूंगी, अगर उसको कभी आया मौका मिला उसको पहनने का तो वो भी ज़रूर पहनूंगी इसे। और भी मुझे कुछ चीज़ें गिफ्ट में मिली हैं, मेरी दीदी ने दिया है, मैं दिखाती ज़रूर लेकिन मेरे पास वो अभी है नहीं। थैंक यू सो मच गाइज इतना सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ें आप लोगों को दिखा रही थी ऐसा दिखावा करने के लिए, क्योंकि मुझे चीज़ें शेयर करनी अच्छी लगती हैं। एंड पहले मेरी दोस्त हुआ करती थी तनीषा इधर मुंबई में, अब वो नहीं है, एंड और कोई दोस्त है नहीं मेरा इधर, या कोई दोस्त नहीं है नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे पास 8 मिलियन दोस्त हैं तो मैं उनको शेयर कर सकती हूँ। क्यों, बाय।